खुशियों की गुल्लक आशी। उजली उजली सुबह रोशनी सी चलती बहती नदी जिंदगी भर के सपने आँखों में निकल पड़ी है राहों में मंजिल तलाशने खुशियों की गुल्लक राशि खुशियों की गुल्लक राशि खुशियों की गुल्लक राशि। माय डियर आशी, तुझे हैप्पी वाला बर्थडे बहुत मुबारक हो। रिप्लाई करने के लिए असिस्टेंट रखना पड़ेगा आशी। आपको ना बरगद के पेड़ की भी उम्र लग जाए। आशी, नीलू दीदी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। फ्रॉम मी टू, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू कका। खुश रहो बेटा, खूब जियो और हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। अरे पता है क्या हो गया, तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? Happy birthday! अगर तुम सबको याद हो तो मैंने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा था कि मेरे बर्थडे पर स्माइल और विशेस के अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं है। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि ये गिफ्ट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम हम तीनों से कमरे का किराया तो लेती नहीं हो, कम से कम ये गिफ्ट तो ले लो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, दीदी साहिल। ओ आशी, तू क्या पागल हो गई है? आशी के हैप्पी वाले बर्थडे के दिन आशी का बेस्ट फ्रेंड उसे सबसे पहले विश नहीं करता, इट्स अ क्राइम। तुझे पता है इसके लिए तुझे फांसी हो सकती है। शुक्र कर कि तू जिंदा बचा है, समझा? ओहो, लगता है प्रिंसेस आशी ये भूल गई है कि उन्होंने जनहित में जारी एक ऑर्डर दिया था कि रात को 12 बजे उसे बर्थडे विश करने के लिए कोई नहीं उठाएगा क्योंकि उसकी ब्यूटी सी खराब हो जाती है। और इसीलिए हम सब यहाँ रात भर जागे रहे कि कब प्रिंसेस आशी उठेगी और कब हमसे उनके बर्थडे की विशेष देगी। हाँ, तो तू सो क्यों गया? अरे मेरी माँ, भेंट करते करते आंख लग गई, इंसान हूँ ना मैं, माफ कर मुझे। आशी आशी सुन, मुझे फांसी पे चढ़ाने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर लेने दे। तुझे मैं बर्थडे की विशेष दे दूं प्लीज? आशी
गुड प्रिंसेस आशी और उनका ये गरीब लेकिन बेस्टेस्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड जिसके साथ उसने बचपन में क्रिकेट खेला और उसे कभी बैटिंग नहीं थी। अरे जिसने तेरे लिए इतने सारे बॉयफ्रेंड ढूंढे और तुझे एक भी पसंद नहीं आया और बदले में इसने मेरे लिए एक भी गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढी। ऐसे ऑसम और अमेजिंग फ्रेंड साहिल की तरफ से हैप्पी 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 वाला बर्थडे। थैंक यू। अरे बाप रे मैं गया। आशी चलो अब बहुत हुआ जल्दी से फ्रेश होके आओ तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। कन्नू एफबीपी 360 बर्थडे विशेस नाइस ना? वेरी नाइस आशी दी। कन्नू ऐसे चम्मच में देखकर बाल बनाने से कोई हीरो नहीं बन जाता, मेहनत करनी पड़ती है, टोले शोले बनाने पड़ते हैं, दुनिया भर के डांस फॉर्म सीखने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या। तुझे कितनी बार कहा है कोई जिम ज्वाइन कर ले, अच्छा सा डांस क्लास ज्वाइन कर ले। Get serious. हाँ भी आधे घंटे लगेंगे बनाने को। आशी मम्मी पापा कितने बजे आ रहे हैं? Thank you. उन्होंने बोला था कि वो लोग सुबह तक आ जाएंगे। Exactly कब आएंगे पता नहीं। फोन क्या उन्होंने? वो मैंने ही तो कहा था उन्हें कि रात को कॉल मत करना वरना मेरी ब्यूटी स्लिप खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने नहीं किया होगा। और वैसे भी अभी तो मम्मा फ्लाइट में होगी, पापा ड्राइव कर रहे होंगे, वो दोनों साथ में करेंगे मुझे पता है। अच्छा आशी खाने में क्या बनाए हम? अंकल आंटी खाने में क्या पसंद करेंगे? पता नहीं। अरे नीलू दीदी आप एक काम कीजिए, आप ना वेज नॉन वेज दोनों बना दीजिए। अरे अगर बच गया तो कॉलेज लेके चले जाएंगे, इतने भूखड़ है ना वहां पर सब टूट पड़ेंगे। ये भी ठीक है। प्रिंसेस आशी के स्पेशल डे के लिए आपने 17 ड्रेसेस खरीदे थे। 17 नहीं 18। मेरा बेस्ट फ्रेंड होके इतना याद नहीं रख सकता? अच्छा मेरी माँ मेरी क्लास ना तो बाद में लगाना, अब उन 18 ड्रेसेस में से एक पहन के बाहर आ जा, रेडी हो जा, आंटी अंकल आते होंगे। सेल्फी खींचती हूँ। मम्मी हेलो। अच्छा हुआ मैंने उन्हें डिवोर्स दे दिया। बेटा मैं शाम को आराम से बात करती हूँ, मुझे हेडेक हो रहा है। यू हैव अ ग्रेट टाइम लव, विल कम सून। आशी आशी ओके आशी देख आंखें बंद करके एंटर कर रहा हूं तो चेंज वेंज करना तो कर ले। ये देख पेपर में एड है, एडॉप्ट अ पेट कैंप जबलपुर में लगा है, सोच रहा हूं कि मैं तुझे एक पप्पी गिफ्ट कर दूं, क्या बोलती है? आशी भटनागर के पेट का नाम हरि प्रसाद चरणदास भटनागर। आशी आशी यादगार रहना चाहिए हैप्पी वाले बर्थडे का हर एक पल।
आशी। आशी के दिन भी टाइम नहीं है मम्मी पापा के पास। अच्छे इस साल बाद ना वो मेरे साथ होते, पर नहीं, एक दिन उन दोनों में बनी नहीं तो तुझे डिवोर्स लेकर मुझे भी अकेला छोड़ दिया बोर्डिंग में। तुझे पता है ना, तब से मैं यहाँ जबलपुर में रहती हूँ दादाजी के साथ। पर दादाजी को गुजरे हुए भी 2 साल हो गए, मैं अकेली रहती हूँ। पर पता है मुझे ना ढेर सारा प्यार मिलता है हर महीने बैंक अकाउंट में। पहले ही बता देते कि हर महीने 50,000 देंगे। प्यार व्यार एक्सपेक्ट ही मत करना। नहीं किया, कभी भी नहीं एक्सपेक्ट किया। अरे यार, बेटी हूँ मैं उनकी, पैदा किया है उन्होंने मुझे। प्यार नहीं, फर्ज के नाते आ जाते। मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है? मेरे ही पेरेंट्स मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? बड़े भैया, ये अपना छोटू है ना, ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है, फिर लड़की उससे क्या बात कर रही है? ये अपनी आशी और छोटू की ट्यूनिंग है। गहरी बातों के लिए खामोशियों का होना जरूरी होता है। ये अपने हिसाब में लिख देना और मेरी बातें सुनने के लिए थैंक यू। तुझे भी पता चल गया ना कि मेरे अंदर थोड़ा दर्द रह गया है। काश मेरे मम्मी पापा को भी पता चल जाता।
हैप्पी बर्थ। ये क्या कर रहा है तू? तेरे जख्मों पे मलहम लगा रहा हूं। इधर आशी, आज तेरा हैप्पी वाला बर्थडे है और हम सब जानते हैं कि आज का दिन तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अपना मूड स्पॉइल मत कर प्लीज। और देखना, काका है, पंटू है, कन्नू है, नीलू दीदी है, मैं हूं, अरे हम हैं ना तेरी फैमिली। जी भर के जीले ये पल आशी, क्योंकि ये पल तेरा है। इस दुनिया की सारी हैप्पीनेस पर हाथ सिर्फ तेरा हक है। अरे तू ही तो कहती रहती है कि अगर हम अच्छाई का चश्मा लगा के दुनिया देखेंगे तो हमें पूरी दुनिया अच्छी दिखेगी। तो लगा अपने अच्छाई का चश्मा और बुरी बात और ख्याल दोनों को गेट लॉस बोल, और तेरे हंसी और खुशी के रौनक से तेरा हैप्पी वाला बर्थडे बिल्कुल तेरी तरह और भी ऑसम बना ले। आशी, प्लीज। बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको, और हमेशा ऐसे खुश रहा करो। थैंक यू। चलो केक काटें। वेट 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 वेट, हैप्पी बर्थडे। ये दादू, ये केक मैं आपको नहीं देने वाली। डायबिटीज है ना आपको, इतनी शुगर खाओगे तो जल्दी ऊपर निकल लोगे। आई
मिस यू दादू। चलो आशी, अब वीडियो डायरी बनाने का टाइम हो गया। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। बर्थडे पार्टी वाज ऑसम, जस्ट लाइक मी। और पिछले 6 साल की तरह मॉम डैड इस साल भी नहीं है। मॉम ने कॉल किया था, पूरे 90 सेकेंड्स बात की थी, और डैड के पास तो वो 90 सेकेंड्स भी नहीं है। पता है, दादाजी ने मुझे 15 लैंग्वेजेस में बोलना सिखाया है। शायद हर लैंग्वेज का पहला वर्ड जो मैंने सीखा था वो था मम्मी और पापा। 15 लैंग्वेजेस में मैं मम्मी पापा कहकर बुला सकती हूँ, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती हूँ, पर मेरे मॉम डैड के पास बस तो एक लैंग्वेज में मेरे इमोशन सुनने का टाइम नहीं है। पता है, हम लोग दोस्त उसे चूज करते हैं जिसके साथ हमारी बनती है, लाइफ पार्टनर उसे चूज करते हैं जिसके बिना शायद हम एक पल भी ना रह सके। विश की तरह हम पेरेंट्स चूज कर पाते, I swear, मैं जिस सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, जो अपनी दुनिया बना कर रखने वाले पेरेंट्स चूज करती। विश कि हम अपने पेरेंट्स खुद चूज कर पाते।